हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई की जुडिश्री एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 52 एंड 53 नाउ सेक्शन नंबर 52 और 53 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रस एग्जामिनेशन के लिए एट द सेम टाइम मेन्स एग्जामिनेशन के लिए भी क्योंकि यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दे रखे हैं नाउ दिस इज योर लेक्चर नंबर थर्टीन जिसमें हम ये दोनों ही सेक्शन को कवर अप करेंगे एंड वी आर गोइंग अहेड विद सीरीज And, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम इस बुक को रेफर कर रहे हैं जो ये बुक है आपकी डॉक्टर आर के सिन्हा द्वारा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इस पूरी सीरीज के माध्यम से हम इस पूरी बुक को कवर अप करेंगे सो लेक्चर नंबर ट्वेल्व में हमने डिस्कस किया था आपका सेक्शन फोर्टी एट तक एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर थर्टीन सो so, इस बुक के माध्यम से हम आ, अपने पूरी सीरीज को कवर अप करेंगे हम अपने सीरीज में इस पूरे बुक के सारे सेक्शंस को कवर अप करेंगे और ये एक ऑथेंटिक बुक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय डॉक्टर आर के सिन्हा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स रेफर करते हैं अपने लॉ कॉलेजेस में भी और अपने प्रिपरेशन के दौरान भी नाउ ये जो सीरीज है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी जुडिशरी के पेपर दे रहे हैं क्योंकि हर स्टेट में मोस्टली हर स्टेट में आई वुड से कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से अराउंड छह से सात क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं एंड दिस इज योर

That, कि अगर आप एक जुडिशियल एस्पेरेंट है किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टडी आई के जुडिश्र का लाइफ फाउंडेशन बैच में इनरोल हो सकते हैं लाइफ फाउंडेशन बैच थ्री की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और आप इस इस पर्टिकुलर बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है छह तारीख सो so, अगर आपको एनरोल करना है तो आई वुड से से यू मस्ट गो एंड क्योंकि पे आपकी प्रिलिम्स से लेके इंटरव्यू तक तो तैयारी कराई जाती है आपको यहाँ पे अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं जैसे कि हैंड नोट्स लेक्चर नोट्स डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है साथ में एक मेंटर भी असाइन किया जाता है जो आपकी हर तरीके से मदद करता है So, अगर आप जेन्यनली तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल इन दिस लाइफ फाउंडेशन बैच और एनरोल कर द टाइम अगर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइव जिससे आपको मिलेगा ये कोर्स इन जस्ट रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन इस कोर्स की वैलिडिटी दो सालों के लिए रहती है एक साल में हम आपका पूरा जुडिशरी का सिलेबस कवर कवरअप करा देते हैं और नेक्स्ट ईयर में आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहता है आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं और लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं सो so, ये सारे अमेजिंग फीचर्स मिल रहे हैं और मेरे प्रोमो कोड श्री लाइफ के साथ सबसे पहले मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट और साथ में यहाँ पे आपको इस लाइफ फाउंडेशन बैच थ्री के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है रिकॉर्डेड कोर्स महापैक वाला ठीक है तो महापैक जिसमें हमने 16 स्टेज का कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है वो वाला कोर्स आपको इस लाइव फाउंडेशन मैच थ्री के साथ मिल रहा है बिल्कुल फ्री मेरे प्रोमो कोड श्री लाइफ के साथ और फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे आप इसको स्कैन कर सकते हैं एंड यू विल बी डायरेक्टली लैंडिंग टू माय चैनल टेलीग्राम पे एंड सेम इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे तो आपको आज के सेशन की पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए टेलीग्राम पे तो आपको सारे लेक्चर्स की पीपीटी वगैरह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं सेम यूजर नेम से स्कैन करके इंस्टाग्राम पे भी तो कोई भी डाउट हो रीच मी डायरेक्टली टू बेसिकली बात करता है की. कहना क्या चाह रहा है देखो ये concept है आपका

तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है आपका ये करता है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है उस उस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को को लेकर तो आप उस को, किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते सिंपल सी बात बताई है यहां कि मान लो ए है और बी है इनके बीच में एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है इस प्रॉपर्टी को लेकर इस प्रॉपर्टी को लेकर ऑलरेडी एक सूट पेंडिंग है तो यहाँ पे ना तो ए और ना ही बी किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है ये सिंपल सी बात बताई गई है आपके डॉक्टरेशन ऑफ में दिस पर्टिकुलर सेक्शन ठीक है तो डॉक्टर ऑफ लिस्टेंडिस क्यों कह रहे हैं यहाँ पे कि पेंडिंग है अगर कोई सूट तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते लिस्ट मतलब लिटिगेशन पेंडिंग uh, pen, uh, मतलब पेंडिंग ठीक है नाउ डॉक्टर ऑफ लिस्पेंडिस और बीन डिराइव फ्रॉम अटिन मैग्जिन ठीक है और लैटिन मैग्जीन क्या है ये उत्पेंडेट निहिल इंटोवेर

अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई सूट पेंडिंग चल रहा है तो दोबारा समझो इस चीज को एग्जाम्पल से देखो कहता है कि ए है और बी है और यह है प्रॉपर्टी ठीक है अब इस प्रॉपर्टी को, को लेकर लेकर ऑलरेडी सूट जो है वो पेंडिंग है ऑलरेडी सूट पेंडिंग है ठीक है तो ना तो बी और ना ही पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी भी और पर्सन को सिंपल सी बात कन्वेड कर रखी है आपके सेक्शन नंबर फिफ्टी टू में आई होप इट इज क्लियर नाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाइज टू सूट रिलेटेड टू टाइटल डिस्प्यूट

Uh, जो प्रॉपर्टी जिस उसकी रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट restrict करता है उसके एलिनेशन को लेके उसके डिस्पोजिशन को लेके जब वो जो पर्टिकुलर इमोअल प्रॉपर्टी है वो क्वेश्चन में है जब तक वो लिटिगेशन जो है फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं होता तब तक यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में उसका एलिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है ये पर्टिकुलर सेक्शन की भाई ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ सूट यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट स्पेसिफिक इमोअल प्रॉपर्टी जिसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी केस आपका पेंडिंग चल रहा है क्लियर नाउ उटन टूटलिक्ट एलिनेशन या डिस्पोजिशन किसी भी इमोल प्रॉपर्टी का जो इमोल प्रॉपर्टी क्वेश्चन में है टिल दिटिगेशन इज पेंडिंग और अनलिस जजमेंट कम्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जोरिस्ट्रिक्शन ठीक है

सेक्शन 52 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें तो, ठीक है? है दूसरा यहाँ पे कहता है कि वो जो सूट पेंडिंग है उस इमोल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में वो पेंडिंग होना चाहिए किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में ठीक है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट किसको कहोगे आप कॉम्पिटेंट कोर्ट किसको कहते हैं हम यहाँ पे कोर्ट मतलब जब भी हम इमोल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो इमोल प्रॉपर्टी जहां पे सिचुएट होती है उस कोर्ट के जोरिजिक्शन में ही केस किया जाता है ठीक है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट का यहाँ पे ये यह मतलब है कि कोर्ट जिसके पास उस इमोल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो है उस केस को सुनने का ठीक है उस केस से डील करने का तो कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब क्या है कि जिस कोर्ट के पास प्रॉपर रिजिक्शन है जहां पे भी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहां उस जहां पे भी प्रॉपर्टी सिचुएट है उस कोर्ट के पास उसके जो नियरेस्ट कोर्ट होता है जो नियरेस्ट कोर्ट लगता है उस कोर्ट के पास उस इमोल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में रिजेक्शन होता है राइट ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो है सिचुएटेड है कहीं और और केस करा है आपने कहीं और ऐसा नहीं होता है क्योंकि सीपीसी में बहुत क्लियरली दे रखा है कि जहां पर भी इमोल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात होती है तो वहां पर उस पर्टिकुलर केस में जहां पर भी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस कोर्ट

कब से वो पेंडिंग है कोर्ट में कब से माना जाएगा तो जब से आप इंस्टीट्यूट कर दोगे अपना प्लेन ठीक है जब से आप प्रेजेंट कर दोगे अपना प्लेट कोर्ट में तब से उसको स्टार्ट माना जाएगा वो पीरियड जब तक उसकी डिक्री नहीं आ जाती तब तक वो कोर्ट आपका वो उस, उस सूट जो है आपका पेंडिंग माना जाएगा तो जहां पे ये क्वेश्चन आया कि हम कब कब से मानेंगे कब तक की सूट पेंडिंग चल रहा है तो उसका एक टाइम आपका एक्सप्लेनेशन में डिफाइन कर दिया गया है कि जब आप प्रेजेंट करोगे प्लेन्ट जब से स्टार्ट हो जाएगा मतलब मान लो इस पॉइंट पे आपने प्रेजेंट किया है प्लेट ठीक है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पॉइंट पे तो जब तक डिक्री नहीं आ जाती आपका सूट क्या माना जाएगा क्या माना जाएगा पेंडिंग माना जाएगा पेंडिंग सूट माना जाएगा आई होप इट इज क्लियर तो यही एक्सप्लेनेशन आपका 52 में दे रखा है तो दो कंडीशन क्या देखी पहली कि उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी एक सूट पेंडिंग चल रहा है और जो वो सूट पेंडिंग है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंडर पेंडिंग है नाउ पेंडेंसी की बात आई जब कि कब से हम मानेंगे कि सूट पेंडिंग है हम कब का वो टाइमलाइन क्या होगी तो यहाँ पे क्लियर बता दिया एक्सप्लेनेशन में कि द लिस्ट शैल बी डीम टू कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन्ट एंड टू कंटिन्यू अंटिल द सूट ऑफ प्रोसीडिंग हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ फाइनल

नाउ क्या-क्या कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है अब इस रिस्पेक्ट में एक लैंडमार्क केस भी है यहाँ पे आपका तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन देवराज दोगरा एंड ज्ञान चंद्र uh, जैन अनदर इस पर्टिकुलर केस में क्या कहा उन्होंने बताया कि क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 52 नाउ हियर सबसे पहली बात क्या बताई दैट अ सूट और अ प्रोसीडिंग इन विच एनी राइट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन मस्ट बी पेंडिंग ठीक है उसी सूट की रिस्पेक्ट में बात हो रही है अब यहां पे मान लो ए और बी के बीच में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई ठीक है और ये सूट जो है पेंडिंग है तो यहां पे इसी सूट की पेंडेंसी की बात हो रही है यहां पे ए के पास अगर मान लो कोई और प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर टू प्रॉपर्टी नंबर वन है तो ये प्रॉपर्टी वो ए ट्रांसफर कर सकता है बट ये वाली प्रॉपर्टी अगर इस पर पे सूट पेंडिंग चल रहा है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता आई होप एक से समझ में आया होगा कि इस सूट की जिस सूट के रिस्पेक्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है उस सूट को ना तो ए ट्रांसफर कर सकता है और नहीं भी कर सकता है नाउ वाई क्यों ऐसा है सबसे पहले समझते हैं क्यों ऐसा है देखो यहां पे अगर मान लो अगर मान लो इसको और क्लियर करते हैं हम ठीक है अगर मान लो कि ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को और सूट आपका पेंडिंग है सूट आपका पेंडिंग है राइट अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होगी तो क्या होगा पेंडिंग चल रहा है और यहां पे इसने प्रॉपर्टी अगर मान लो सी को दे दी ठीक है या बी ने प्रॉपर्टी मान लो डी को दे दी ठीक है तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पार्टीज के राइट्स अफेक्ट होंगे राइट अगर आप मान लो एक जीत जाता है तो फिर क्या वो लड़ने जाएगा केस डी से ठीक है अगर मान लो केस में बी ने ये प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर कर दी है और यहाँ पे ए जीत गया है ए विनर हो गया है सूट का तो उस पर्टिकुलर केस में क्या फिर से क्योंकि बी के पास तो प्रॉपर्टी रही नहीं बी ने प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर कर दी है तो क्या फिर ए डी के खिलाफ सूट फाइल करेगा इसी वजह से यहाँ पे ये डॉक्ट्रिन पिक्चर में आती है और ये कहती है कि अगर एक प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी एक सूट पेंडिंग चल रहा है तो ना तो ए और ना ही बी प्रॉपर्टी को

केस को जो डील कर रहा है उस पर्टिकुलर केस से उस कोर्ट के पास जुरुजिक्शन होना चाहिए ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरुजिक्शन नाउ थर्ड पॉइंट क्या है दैट द सूट और प्रोसीडिंग शुड नॉट बी अ कोलेसिव वन नाउ कोलेसिव मतलब क्या होता है मिली भगत नहीं होनी चाहिए जैसे कि मान लो ए ने बी के साथ प्रॉपर्टी ये पेंडिंग है सूट यहाँ पे ठीक है ये पर्टिकुलर सूट पेंडिंग है ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी है अब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी की यहाँ पे ये इंटेंशन है कि बी जो है ए इस प्रॉपर्टी को आगे ना दे पाए किसी को जानबूझ के बी ने यहाँ पे

ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी या फिर ए और बी के बीच में कुछ बात चल रही है प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे बी ने जो सूट डाला है ए के खिलाफ इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में या फिर ए ने बी के, के, के खिलाफ सूट किया है प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में वो मैलेन से नहीं होना चाहिए बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको हेरास करने के लिए कि ये इस प्रॉपर्टी को कहीं और ना बेच पाए बी यहाँ पे ए के खिलाफ केस कर दे इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में और सूट को पेंडिंग कर दे ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तीसरी कंडीशन है चौथी कहता है इन विच दी राइट ऑफ एम राइट टूल प्रॉपर्ट डायरेक्टली और इन क्वेश्चन और उसी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है उसके ठीक है तो यह कह रहा है, कि इसी को, जो इन है उसको आप ना तो आगे एलिनेट कर सकते हो ना डिस्पोज ऑफ कर सकते हो क्लियर थर्ड फिफ्थ एनी ट्रांसफर ऑफ सच एमोल प्रॉपर्टी और डीलिंग विद सच प्रॉपर्टी ड्यूरिंग देंडेंसीट इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर दिटी ऑफ द कोर्ट ठीक है अगर कोर्ट का आदेश है एक्सेप्शन क्या है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगर कोर्ट का आदेश है उस आप आप तो उस पर्टिकुलर केस में ये एप्लीकेबल एप्लीकेबल नहीं नहीं होगी होगी डॉक्ट्रिन आपके तो ऑर्डर ऑफ द द कोर्ट इज एक्सेप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन ठीक है तो डॉक्ट्रिन ऑफ पेंडेंस बेसिकली क्या क्या रही है सिंपल सा ये कहता है कि अगर मान लो कोई एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी को एक पर्सन दूसरी प्रॉपर्टी को पर्सन अगर एक पर्सन एक प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है और उसके रिस्पेक्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है तो वो पर्सन जो है उस प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है जिसके रिस्पेक्ट में सूट ऑलरेडी पेंडिंग है उसको वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता ठीक है और ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कॉम्पिटेंट कोर्ट में केस चलना चाहिए कोर्ट केस uh, जो पेंडिंग होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में तीसरा वो क्लिसिव नहीं होना चाहिए मैलिफाइड इंटेंशन से नहीं होना चाहिए और आपका चौथा जो प्रॉपर्टी है वो आपका क्वेश्चन में होनी चाहिए ठीक है लिटिगेशन उसी के रिस्पेक्ट में पेंडिंग हो जिस प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी आपकी क्वेश्चन में है क्लियर नाउ

हेड बिफोर मूविंग हेड फ्यू मोर थिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी ठीक है अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को लेके सूट जो है वो पेंडिंग चल रहा है अब यहाँ पे ए ने ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी ठीक है ये प्रॉपर्टी जो है सी को ट्रांसफर कर दी अब यहां पे अगर ए विनर होगा इस केस का तो ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी और इन केस ए जो है लूजर होगा इस केस को नहीं जीतता है वो हार जाता है इस पर्टिकुलर केस में तो ये प्रॉपर्टी सी को नहीं जाएगी बी को ही जाएगी तो ये प्रॉपर्टी बी को ही जाएगी ठीक है क्यों क्योंकि यहां पे कहा है कि जो ये ट्रांसफर है ये वॉइड नहीं होगा ये ट्रांसफर जो ए ने बी सी को कर दिया है ये वॉयड नहीं होगा ये क्या होगा ये होल्ड पे हो जाएगा ये होल्ड पे हो जाएगा कि अगर ए जीतेगा तो सी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी अगर ए हार जाएगा तो बी को प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी ठीक है तो यहां पे जो ये ट्रांसफर है ये वॉइड नहीं होता है ठीक है ये एक होल्ड पे है कि अगर इन केस ए जीतेगा तो ही प्रॉपर्टी सी को मिलेगी क्योंकि ए ने ट्रांसफर कर रखी है अगर ए नहीं जीतता है तो वो प्रॉपर्टी बी को ही जाएगी सी के को सी अपने राइट right क्लेम नहीं कर सकता नाउ दी क्वेश्चन कम्स से इन अ लैंडमार्क केस ऑफ बेलिमी वर्सेज

इसको नोटिस है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता ए जीतेगा तभी सी को प्रॉपर्टी जाएगी ए हारेगा तो प्रॉपर्टी बी को ही जाएगी वो ये नहीं कह सकता ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था या मेरे राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं या मेरे राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ये बात पर्टिकुलर कही गई कि यहाँ पे कोई भी <coughs> <coughs> यहाँ पे आ, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है नोटिस देने की ट्रांसफरी को सो so, ये बेसिक से कांसेप्ट है आपके सेक्शन 52 को लेकर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 53 व्हिच टॉक्स अबाउट फ्रॉडलेंट ट्रांसफर नाउ बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग में दिस पर्टिकुलर सेक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज देखो फ्रॉडुलेंटली आपका ये वर्ड जो है फ्रॉडुलेंट तो आईपीसी का सेक्शन 25 बात करता है फ्रॉडुलेंटली की Fraudulently define कर रखा है इंटेंट टू डी फ्रॉड क्या है जहां पे इंटेंट रहता है डी फ्रॉड करने का उसको हम फ्रॉडलेंटली कहते हैं ठीक है जहां पे ए के पास मान लो ए के पास मान लो, लो एक कार है ठीक है ए के पास एक कार है अब ये कार खराब है खराब है ये कार ठीक है और ये जानबूझ के बी को बताता है नहीं कार तो बहुत अच्छी है मस्त चलती है एकदम जबकि कार के टायर खराब है ए को पता है कि कार के टायर टायर खराब है यहां पे ये जानबूझ के बी को कह देता है नहीं नहीं एक कार तो कार के तो टायर बहुत मस्त चलती है कार बहुत सही है और बी को ये गाड़ी बेच देता है यहां पे क्या है इंटेंट इंटेंट क्या है इंटेंट है करने करने का, का। है B के साथ fraud commit करने का. That is why आप इस चीज को क्या कहोगे? तरीके से उसने बी एक को सेम कार भेजी बट उसको नहीं पता है कि कार खराब है वो गैराज में रखी हुई है ठीक है वो गैराज में रखी हुई है कार खड़ी हुई है ए को नहीं पता उसने एक साल से सा उस गाड़ी को नहीं देखा इन ए गुड फेथ में ऑनेस्टली बेच दिए कार बी को तो क्या आप ये कहोगे यहाँ पे कि फ्रॉडलैंड इंटेंड है उसका है करने का नहीं ये नहीं कह सकते यहाँ पे उसने ऑनेस्टली उसको नहीं बताया कि गैराज में खड़े हो गए खराब हो गई है क्या हो गया है उसको नहीं पता है उसने अपने गुड फेथ में गाड़ी बेच दी अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ए जो है वो नेग्लिजेंट है ए जो है वो नेग्लिजेंट है आप ये बात कह सकते हो बट आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि उसका फ्रॉडलेंट फ्रॉड फ्रॉड इंटरेस्ट था या फिर ये, आप ये नहीं कह सकते कि उसने इंटेंट uh, से डिफ्रॉड किया है बी को ठीक है तो ये दोनों ही एग्जाम्पल में आप समझो कि फ्रॉडलेंट और नेग्लेजेंट uh, में फर्क है यहाँ पे और हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फ्रॉडलेंट ट्रांसफर क्लियर तो दो बेसिक चीज मैंने आप इसलिए बताई यहाँ आईपीसी में वो क्या बताता है कि fraudulently means कि फ्रॉडलेंटली मींस जहां पे इंटेंट है आपका डी फ्रॉड करने का पहले वाले एग्जांपल में पता है गाड़ी खराब है फिर भी आप बेच रहे हो उसका मतलब आपकी इंटेंट क्या है कि आप ये जानबूझ के उसको फ्रॉड करने उसके साथ फ्रॉड कमेंट कर रहे हो और आप जो है उसको गाड़ी बस बेच दे रहे हो ठीक है सेकेंड वाले एग्जाम्पल में उसको पता नहीं है वो ऑनेस्टली अपने गुड फेथ में उसको पता है कि गाड़ी खड़ी है और वो ठीक है जब उसने देखी थी तो गाड़ी ठीक ही थी अब एक साल हो गया उसने गैराज अपना खोल के देखा नहीं गाड़ी खराब हो गई उसको नहीं पता है ये बात गाड़ी खराब है तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि उसका इंटेंड है डीफ्रॉड करने का राइट तो ये बेसिक डिफरेंस है ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर ऑफ फ्रॉडलैंड ट्रांसफर अब आपको समझ में भी आएगा सारी चीजें ठीक है जब हम बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फ्रॉडलैंड ट्रांसफर की

या फिर डिफीट करने के लिए क्रेडिटर के पर्पज को अब यहां पे इसको हम जो एग्जाम्पल से ये कहता है कि जो ए है ठीक है उसने ई e को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपनी सारी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ई e को ठीक है अब ए ने बी से कर्जा ले रखा है तो ये कौन हो गया डेटर हो गया ये कौन हो गया क्रेडिटर हो गया क्रेडिटर हो गया ठीक है सिंपल सा एग्जाम्पल ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है ई e को और बी से बहुत सारा उधार ले रखा है ए ने ठीक है अब यहां पे ए की ये इंटेंशन है

पर्पस और या फिर इस इंटेंशन से ए ने कुछ भी किया जिससे क्रेडिटर को देर से पैसे मिले ठीक है तो इसको आप क्या कहोगे फ्रॉडलेंट ट्रांसफर करोगे और जो एट ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर जो अगर बी चाहे तो इस ट्रांजेक्शन को वो वॉइड करा सकता है अगर वो चाहे तो एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर रहेगा वो पर्टिकुलर केस में ठीक है इसे बोला गया कि ट्रांसफर शैल बी अवॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर क्रेडिटर चाहे तो उसको वो अवॉइड करा सकता है डिक्लेयर ठीक है नाउ ये चीज इंपॉर्टेंट है फ्रॉडलैंड ट्रांसफर में कि जहां पे आपकी इंटेंट तो इंटेंट जरूरी है यहाँ पे इंटेंशन वाला फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉडलैंड ट्रांसफर के लिए ठीक है एक्ट होना चाहिए और एक्ट के साथ साथ इंटेंट होना चाहिए act और intent दोनों ही होना चाहिए fraudulent transfer के लिए आई होप ये बात समझ में आई होगी आप सबको ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट आपका क्या-क्या फैक्टर्स -क्या या क्या-क्या कहोगे क्या-क्या इंडिकेशंस -क्या है fraudulent transfer के लिए ठीक है उसके बारे में बात करेंगे उससे पहले एक बार इसको रीड आउट करते हैं दैट्स सच ऑप्शन टू कंसीडर द ट्रांजैक्शन वॉइड

पार्टी और इंटरेस्ट अफेक्टेड तो बेसिक सी बात यहाँ पे साफ साफ लेजिस्लेचर ने यह क्या दिया कि भाई जिसको लॉस वही उसके ऊपर ही डाल दिया है वही सोचेगा वही डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कराना है या फिर वो उसकी मर्जी है ठीक है वो वॉडेबल इसलिए छोड़ दिया है यहाँ पे कि वो जिस जो पार्टी अफेक्टेड है ठीक है जिस जो पार्टी है, जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है उसके ऊपर है वो चाहे तो ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है बट इन दी आई ऑफ लॉ इट वुड बी अ वैलिड ट्रांसफॉर्म आई होप इट क्लियर उ बेसिक ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें डॉक्टर की तो यहाँ पेक्शन केसेज वेर एन एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज इमोवेबल इन अकॉर्डिंग रिलेवेंट सेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज डन जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्ट के हिसाब से ट्रांसफर वैल ट्रांसफर किया गया है विद डिजाइन और स्कीम टू फुलफिल दिफ्रॉडिंग द्रेडिटर्स इनर दैट देखिए आपको बताई कि इस इंटेंशन से ट्रांसफर किया है ठीक है कि क्रेडिटर जो है वो उनको या तो उनके पर्पज को डिफीट किया जाए या फिर उनको देर से उनको आ, उनका पैसा मिले ठीक है तो अगर ऐसा किया है तो दैट विल कंसिडर एज अ फ्रॉडलैंड ट्रांसफर अंडर सेक्शन फिफ्टी थ्री एंड दैट विल बी अवॉइडेबल ट्रांसेक्शन ठीक है अगेन किसके हाथ में है क्रेडिटर के हाथ में वो चाहे तो उसको उस ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है नाउ क्या एसेंशियल इंग्रीडियंट्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के या क्या कंडीशन हमें फुलफिल करनी होगी अगर हमें एप्लीकेबल कराना है सेक्शन फिफ्टी थ्री तो, तो यहाँ पे जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर प्रॉपर्टी आपकी इमोवल इमोवेबल इम, प्रॉपर्टी हो ठीक है इमोवल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करते यहाँ पे

कि अगर हमें एप्लीकेबल करना है जो हमने यहाँ पे बात करी जो हमने यहाँ पे सिंपल टर्म्स में बात करी यहीं पे बात करते हैं हम कुछ इंडिकेटर्स की अब इसको समझेंगे हम एग्जाम्पल से ठीक है क्या कहता है यहाँ पे कि सबसे पहले कि अगर किस तरीके से इस चीज को जस्टिफाई हम यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरीके से आप डिले या फिर डिफ्रॉड करते हो क्रेडिटर को ठीक है किस तरीके से करते हो सी कौन सी सिचुएशंस होती हैं सबसे पहली जहां पे डेटर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी है जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि ए ने बी को सारी प्रॉपर्टी दे दी सारी अपनी प्रॉपर्टी दे दी और इसका ई e से कर्जा चल रहा है ठीक है ये ई जो है यहां पे क्या है क्रेडिटर है क्रेडिटर है ठीक है तो यहां पे ई e क्रेडिटर है अब इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए ए ने क्या किया ए ने क्या अपनी सारी प्रॉपर्टी बी को दे दी और कहा कि ई से मुझसे पैसे मांगने आएगा तो वो इसलिए मैं तुम्हें प्रॉपर्टी अभी मेरी प्रॉपर्टी का ओनर तुम बन जाओ क्योंकि अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी रहेगी तो ई सारी प्रॉपर्टी मुझसे ले लेगा क्योंकि उससे मैंने कर्जा ले रखा है सिर्फ एक सिचुएशन तो एक इंडिकेटर तो ये है तो इस ट्रांजेक्शन को आप क्या कहोगे फ्रॉडलेंट ट्रांसफर कहोगे फ्रॉडलेंट ट्रांसफर करोगे अब यहां पर इंटेंशन क्या है डिफीट करना क्रेडिटर को क्रेडिटर ने जो पैसे तुमने उधार ले रखे हैं उससे उसको पैसे तुम नहीं देना चाहते हो तुम उसको डिफीट uh, करो उसका पर्पज तो यहाँ पे तुमने क्या किया प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी को ठीक है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी आपने बी को नाउ कंसिडरेशन यहाँ पे एडवुकेट नहीं है ठीक है कंसिडरेशन इज नॉट एडवकेट अब यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में आगे लेते हैं कि ए ने प्रॉपर्टी सारी बी को ट्रांसफर कर दी हो सकता हो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर्टी उसमें ट्रांसफर कर दी और ये कहा कि वो हम आगे देख लेंगे हम आगे सुलटा लेंगे उस चीजों को हम आगे मैनेज कर लेंगे अभी के लिए प्रॉपर्टी का मालिक तुम हो जाओ अभी के लिए प्रॉपर्टी की मालिक जो है तुम हो जाओ तो ताकि क्रेडिटर का जो है इंटरेस्ट डिफीट हो जाए क्रेडिटर का बेसिक पर्पज जो है वो डिफीट हो जाए ठीक है नौ प्रॉपर्टी जो है या तो फिर एक पॉइंट ये हो गया की डिफीट करने के लिए दूसरा ये हो गया कि कंसिडरेशन इज नॉट एडुकेट कंसिडरेशन का यहां नॉट ऐसा नहीं है कि एडुकेट कंसिडरेशन हो तीसरा ये है कि यहां पे ए ने सीक्रेटली प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए वो सीक्रेटली करिए ताकि क्रेडिटर को ना पता चले अब अगर ढोल बजा के ट्रांसफर करेगा या फिर सबको बता के ट्रांसफर करेगा तो यहां पे ई पैसा मांगने आ जाएगा ना भाई तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे ए जो है प्रॉपर्टी बी को सीक्रेटली ट्रांसफर कर देता है ठीक है क्यों और ये सारी चीजें क्यों करी जा रही है ये इसलिए करी जा रही है ताकि आप कहीं ना कहीं क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिफीट करना चाहते हो क्रेडिटर का बेसिक पर्पस जो है वो डिफीट करना चाहते हो तो इनमें से कोई एक भी इंडिकेटर है ना तो भी वो आपका क्या माना जाएगा फॉरलैंड ट्रांसफर माना जाएगा वो आपका transfer माना जाएगा Now, यहाँ पे पे दो important points है section 53 के। ठीक है? अभी हम हम की बात कर रहे हैं। बाद में आएंगे ठीक है तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पहले आपका पूरा इंटेंशन क्या था पूरा इंटेंट क्या है यहाँ पे इंटेंट है डिफीट करने का इंटेंट है टू डिफ्रॉड क्रेडिटर ठीक है पहला ये है दूसरा ये है विदाउट कंसिडरेशन ये आपके सेक्शन का लैंग्वेज है ठीक है विदाउट कंसिडरेशन बिना कंसिडरेशन के इस इंटेंशन से विदाउट कंसिडरेशन विद इंटेंड टू डी फ्रॉड टू डी फ्रॉड विद इंटेंड टू डी फ्रॉड अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी ट्रांसफरी so का एग्जाम्पल तो है ए ने बी को सही प्रॉपर्टी दे दी और ई e, uh, को पैसा देना ना पड़े इसलिए इसने सारी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी ई e जो क्रेडिटर है इस पर्टिकुलर केस में नाउ क्रेडिटर के पास ये ऑप्शन है वो चाहे तो उस ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है सिमिलरली इस पर्टिकुलर केस में भी जहां पे बिना कंसिडरेशन के सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन से कि वो डिफ्रॉड करेगा सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को यहां पे आ, ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के पास ये अधिकार है कि वो उस ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है वर्डेबल ट्रांजेक्शन होगा क्लियर नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एग्जांपल से समझो इसको आ, कि जो ये एग्जांपल है सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही वाला वो हम समझते हैं ठीक है वो हम समझते हैं अब देखो यहाँ पे इसको समझो इस तरीके से कि मान लो ए है और बी है ठीक है ए और बी यहाँ पे उसने सीक्रेटली ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी सीक्रेटली ठीक है सीक्रेटली ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी ठीक है नाउ और यहाँ पे उसने ये प्रॉपर्टी सी को भी ट्रांसफर कर दी दस लाख रुपए लेके वैलिड कंसेड्रेशन लेकर उसने ये प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी सी को भी ट्रांसफर कर दी ठीक अब जब सी को पता चला कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी बी के पास है तो ये क्या हुआ प्रायर ट्रांसफर ही हुआ ठीक है ये हुआ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही तो डॉक्टर ऑफ प्रियोरिटी के हिसाब से डॉक्टर ऑफ प्रियोरिटी के हिसाब से सेक्शन 48 के हिसाब से ये प्रॉपर्टी पहले किसके पास जाएगी पहला हक किसका है पहला हक बस आ, बी का है ठीक है और उसके बाद सी के पास जाएगी तो सी को जैसे पता चला कि ये प्रॉपर्टी जो है सी को ऑलरेडी बी के पास है सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही है यहाँ पे उसके राइट right अफेक्ट हुए विद वैलिड कंसिडरेशन यहाँ पे इसको तो फ्री में दे दी सीक्रेटली प्रॉपर्टी दे दी ठीक है बिना consideration के इसको प्रॉपर्टी दे दी इस इंटेंशन से ए ने यह किया ताकि वो डिफ्रॉड कर सके सी के साथ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के साथ तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के पास ये ऑप्शन है कि वो उस ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है क्लियर नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है आपके दैट इज की सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय दी वे ऑफ जस्ट अट ट्रांसफर ऑफ दी प्रॉपर्टी एक्ट बाईन की है ठीक है और कंसिडरेशन के लिए तो आपका येबल नहीं होता दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पेट एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ विच रिलेट्स टू इनसॉल्वेंसी अगर मान लो इनसोल्वेंसी से रिलेट करता है तो आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा टेलीग्राम पर श्रीमिश्रीवास्तव से सकते हैं सिमिलरली मुझेग्राम पे, मुझे मुझे पे भी राइट एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग स्टडी आईक्यू लाइफ फाउंडेशन बैच थ्री आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की आप ऐसे समझ सकते हो छह अगस्त और एनरोल करते टाइम अगर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइव और आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में और प्रोमो कोड श्री लाइव के साथ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा महापैक बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है कोई भी डाउट हो रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम किस तरीके से कोर्स को परचेज करना है तो यहाँ पे आप जाएंगे स्टडी आई क्यू की जुडिशियर की वेबसाइट पे जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे आप देख सकते हैं कि आपको ये कोर्स फोर्टी थाउजेंड का दिखाएगा बाय नाउ पे क्लिक करना है और जैसे मैंने बताया प्रोमो कोड श्री लाइव के साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम